आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए बहुत अच्छा दिन है कि पहली बार दिल्ली में इलेक्ट्रिक ऑटो शुरू होने जा रहे हैं। आप ये देख रहे हो कि नीले रंग के ये सारे ऑटो, जिनको अभी झंडी, हरी झंडी दिखाई गई, ये सारे आज से दिल्ली की सड़कों पे चलने चालू होंगे। प्रदूषण को देखते हुए धीरे धीरे हम सभी व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ले जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में दिल्ली में अब ऑटो सड़कों के ऊपर इलेक्ट्रिक ऑटो चलने चालू होंगे। अभी जिन जिन कुछ एक सिंबॉलिक तौर पे कुछ ऑटो वाले भाइयों को, बहनों को उनके कागज़ सौंपे गए, आपको देखना चाहिए था कितनी खुशी थी उनके सबके चेहरे पे। इतने खुश थे सब लोग। तो एक तरफ कई सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। आज 3,500, 4,000 का लगभग अभी रिलीज़ किया है कोटा, 3,500 लोगों को LOI जारी हो चुके हैं। तो ये 3,500 लोग दिल्ली की सड़कों के ऊपर ई ऑटो चलाएंगे, तो 3,500 परिवारों को रोज़गार भी मिलेगा और दूसरी तरफ ई ऑटो दिल्ली की सड़कों पे चलेंगे। तो मैं इन सभी भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ। इन 3,500 में लगभग 500 महिलाएं हैं। मुझे लगता है ये एक तरह से बड़ी गर्व की बात है कि हमारी महिलाएं भी ऑटो चला रही हैं, अपने परिवार को पालेंगी। मेरे मन में एक डाउट था कि क्या महिलाएं ऑटो चलाएंगी तो उनकी सेफ्टी को लेके इश्यूज तो नहीं हो सकते। तो अभी सुनीता चौधरी जी हैं, एक जो ऑटो ड्राइवर हैं, उनसे मैं बात कर रहा था। वो 2003 से ऑटो चला रही हैं, उनको लगभग 19 साल हो गए ऑटो चलाते। बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। मैं सभी बहनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो ई ऑटो जिन लोगों को आज मिले हैं। तो मुझे लगता है हम सब लोगों के लिए गर्व का दिन है। ईवी पॉलिसी जो दिल्ली सरकार ने बनाई है, ये ईवी पॉलिसी बहुत ही शानदार पॉलिसी है। पूरे देश के अंदर इसकी तारीफ हो रही है और अब दिल्ली को ईवी कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाने लगा है। दिल्ली देश की राजधानी तो है ही, लेकिन अब ये ईवी कैपिटल भी माना जाने लगा है। और हमें ये लगता था कि लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। हम कहेंगे भाई लोगों को, भाई अगर नई गाड़ी खरीदनी है, नया कुछ खरीदना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो। लेकिन जितनी तेज़ी से लोगों ने दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने चालू किए, उससे हमें भी आश्चर्य होने लगा है। पहले साल के अंदर ही, जब से ईवी पॉलिसी लागू हुई है, इस साल जो व्हीकल्स खरीदे गए टोटल दिल्ली में, उसका 10% व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग खरीद रहे हैं। तो लोगों के अंदर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके काफ़ी उत्साह है। इसका मतलब जो हमने ईवी पॉलिसी लागू की है वो सही पॉलिसी है, वो लागू हो रही है, उसको लेके लोगों के अंदर उत्साह है। तो ईवी पॉलिसी भी बड़ी अच्छी है और पूरे देश के अंदर अब जगह जगह दिल्ली की तर्ज के ऊपर ईवी पॉलिसी लागू की जा रही है। अगर मीडिया के साथियों के कोई एक दो प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। इनका सर किराया कैसे निर्धारित होगा? वो तो सेम है सर। सेम किराया रहेगा जो दूसरे का है, सेम किराया होगा, दोनों में फर्क नहीं होगा। नहीं, इन पे जनता को भी थोड़ा सा फायदा मिलना चाहिए ना। इन लोगों को भी 50 पैसे मिलेगा तो फिर जनता को थोड़ा सा क्या फायदा मिल सकता है, अब ऐसा इनको भी शुरू मुझे करने लगता देते हैं, फिर उसको एग्जामिन कर लेंगे। है। सर, सरकार किस तरह से सपोर्ट कर रही है इसको? बता देते कि लोन जो है वो भी वो सरकार सारा बना रही बता है दो, और सब्सिडी, लोन इंटरेस्ट में कितना भी कुछ कितना है। रियायत दे रही है। तो इसमें सिंगल विंडो सिस्टम हमने पूरा तैयार किया, पूरा पोर्टल तैयार किया, सॉफ्टवेयर तैयार किया, CSL के साथ पार्टनरशिप किया है। तो बेसिक उसका पर्पज़ ये था कि जैसे हमने पिछली बार भी, आपको याद हो, 2-3 साल पहले जब हमने 10,000 परमिट्स इशू किए थे, तो उसमें कुछ कुछ वहाँ से जो हमने सीखा, तो इस बार अगर किसी भी ऑटो ड्राइवर भाई को या बहन को अगर वो एप्लीकेशन सबमिट करना है, लोन लेना है, ख़रीदना है, सिर्फ उस पोर्टल में जाके रजिस्टर करना है, और लोन की भी जो पूरी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो उसके थ्रू, पोर्टल के थ्रू ही है। तो बेसिक पर्पज़ ये था दिल्ली सरकार का, क्योंकि
माननीय सीएम साहब का हमेशा ये एक ही बात कही है उन्होंने हमेशा कि जो भी आप करो आम आदमी को नज़र में रख के करें ताकि उसको कहीं भी जाने की आवश्यकता ना हो। सब्सिडी कितनी दे रहे हैं? वो सब्सिडी कितनी दे रहे और इंटरेस्ट में कितना? एक मिनट। सब्सिडी 30,000 रुपीज़ सब्सिडी है हर एक ऑटो पे, और 5% का अगर वो लोन लेते हैं तो उसमें भी छूट है। 5% की इंटरेस्ट सर, सब्सिडी है सर, ये 30,000 अपफ्रंट। सर क्या इनके लिए अलग से कोई चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं या फिर कहीं पर भी चार्ज कर सकते हैं? पूरी दिल्ली में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का भी देखें तो हमारा गोल है कि 3 किलोमीटर के रेडियस में एक चार्जिंग पॉइंट ज़रूर मिले। इसमें हमने डिस्कॉम्स के साथ भी पार्टनरशिप किया है। सबसे सस्ता आज के दिन अगर चार्जिंग पॉइंट आप अगर इंस्टॉल कर सकते हैं तो वो दिल्ली है। मात्र 2,000 रुपये दे के आप वो चार्जिंग पॉइंट चार्जर लगा सकते हैं। 6,000 रुपये की सब्सिडी पहले 30,000 रिक्वेस्ट पे वो दिल्ली सरकार दे रही है, तो उसके हिसाब से अगर पूरे देश में सबसे सस्ता आज के दिन अगर चार्जर आप लगा सकते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं तो वो दिल्ली है। अपने आप घर में भी चार्जिंग इसकी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी DMRC के स्टेशन हैं उनसे भी लगातार हमारी बात चल रही है, वहाँ पर भी हम ये इनको चार्ज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। दिल्ली सरकार का जो हमने टेंडर किया था 300 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस का, वो भी हमारा कामयाब हो गया है, उसका भी काम बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। आज की डेट में ये हाँ सर, आज के दिन सर ये आप किसी भी चार्जर पे घर पे भी आप चार्जिंग इसकी कर सकते हैं। महिलाएं भी इसमें हैं काफी, आपने बताया महिलाएं ड्राइवर्स बनेंगे, तो क्या ट्रेनिंग भी दी गई है क्या इन ड्राइवर्स को, और कितना ही बड़ी ये उपलब्धि है? देखिए ऑटो तो महिलाएं काफ़ी टाइम से चला रही हैं, कुछ महिलाएं जो टैक्सी चला रही थी उनकी भी जब इन्होंने देखा कि हम परमिट्स दे रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑटोज़ के, तो उनकी भी काफ़ी रुचि उसमें दिखाई दी, तो वो भी उसमें शिफ्ट की है। बड़ी अच्छा आइडिया, इसका सोच सकते हैं जी कि इनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। वो तो सभी जितने भी हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उसमें GPS मैंडेटरी है, और हमारे जो कमांड सेंटर है यूनिफाइड, वहाँ से हम इनको मॉनिटर भी कर सकते हैं। आपने सर आपने जो ये कहा अभी, मैं ये भी सर बताना चाहूँगा कि महिलाओं को सर बढ़ावा देने के लिए ताकि वो उनको रोज़गार मिले सर, उसमें हमने कमर्शियल व्हीकल चलाने के लिए जो महिलाओं को मोटर व्हीकल लाइसेंस लेना पड़ता था उसकी जो फीस है लगभग 15,000 रुपये की फ़ीस, जहाँ से भी अगर वो ट्रेनिंग लेती हैं वो भी हमने माफ़ कर दिया, और उसकी वो फ़ीस जो है वो दिल्ली सरकार आगे से दिया करेगी। फिर दोबारा महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अगर आप DTC या क्लस्टर की बस अगर चलाना चाहते थे तो पहले उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते थे, वो 3 साल का एक्सपीरियंस भी हमने हटा दिया है। अब सिर्फ 1 महीने का, जिस भी महिला के पास अगर हैवी लाइसेंस है वो 1 महीने की ट्रेनिंग करके, दिल्ली सरकार की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसमें ट्रेनिंग करके वो 3 साल उसको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाइट की जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको भी हमने कम कर दिया है, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा महिलाएं दिल्ली की सड़कों पे वाहन चलाएं। एक बार स्टेज पे आ जाओ। इसे बहुत काफ़ी होगा, मेरे पास अभी इमीडिएटली तो डेटा नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, ये सुनीता जी हैं, कितनी छोटी हैं, तो हाइट भी कम है और 2003 से चला रही हैं ये ऑटो। 45,000 जॉब्स इन 5 ईयर्स आउट ऑफ ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। सर एक सवाल, मेरे को लगता है इससे ज़्यादा ही होगा बिकॉज एंसिलरी इतने बैटरी के और इसके इतने सारी दुकानें खुलेंगी। एक सवाल इससे अलग है, यहाँ सभी जानना चाह रहे होंगे, कल आपके घर पे हमला हुआ है तो उस पर क्या कहेंगे सर? देखो केजरीवाल इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, इस देश का एक आम नागरिक हूँ, देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि इस तरह की गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। हमें अगर देश को आगे ले जाना है, 21वीं सदी का भारत बनाना है, तो प्यार और मोहब्बत से सब लोग मिलके काम करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। 75 साल तो खराब कर दिए हमने देश के, गंदी राजनीति करके, आपस में लड़के झगड़ के, मारपीट करके, गुंडागर्दी करके। अब अगर दुनिया की सबसे बड़ी
पार्टी और देश की सत्ताधारी पार्टी ऐसे राजधानी के अंदर इस किस्म की गुंडागर्दी करेगी तो युवाओं के अंदर क्या मैसेज जाता है? एक आम युवा क्या सोचेगा? वो सोचेगा यार यही सही होता होगा। ये गंदा संदेश जाता है, इस तरह से देश की तरक्की नहीं होती है। थैंक यू।